नमस्कार। ए वीडियो जदि आप एंड पर्यंत देखिबे तो मु आपनको बुझेबे कि आम हाड़ को ठीक रखिया पई कोन कोन जिनसो हमको खाइबार अछि और कोन कोन जिनसो हमको पूरा अवॉइड करिबार अछि। संग माने आजकल जो डाइट अछि और जो लाइफ अछि से बहुत फास्ट हो जाइछ। एते फास्ट हो जाइछ कि लाइफ के हमको निजर केयर करिबार टाइम आम पाउनु और से टाइम रे आम देखुछु कि हमर जो बोन रो डिजीजेस तार जो रेट है बहुत अलार्मिंग रेट रे बढ़ुछ। तो ए वीडियो रे मु आपनको कहबे कि आपनकर जो लाइफ रे आपन जो खाउछथि कोन कोन जिनसो अवॉइड करले आपनको जो बोन डिजनरेशन और जॉइंट डिजनरेशन को आपन अवॉइड करि परियो। संग माने प्रथम जिनस जो आमको अवॉइड करिबर अछि सेटा अछि एक्सेसिव सुगरी थिंग्स। आमे देखुछु कि आजिकाली सबु जिनस रे सुगर बहुत अधिक ऐड होउछि, सॉस रु नै कि केक रु नै कि एवरीथिंग वी ईट ता भितर अधिक मात्रा रे सुगर रो। जते अधिक हमरो सुगर नेबा जो कि प्रोसेस्ड सुगर अछि जोटा कि एकदम डायरेक्ट आम देह सुगर सेटा बॉडी अलगा ऑर्गन्स पे भलो नै और बोन ब्रेकेज को भी तारो बहुत कंट्रीब्यूशन। तो आमे नेचुरल सुगर जेमते जो फ्रूट रो आछि या जैगरी रो आछि सेटा आमे नै परिबा, बट जो अननेचुरल प्रोसेस्ड सुगर सेटा आमे जते अवॉइड करिबा सेते आमे देह पाई भलो आ बोन्स पाई भलो। सेकंड जो अछि जो जिनस हमको अवॉइड करिबा छै सेटा अछि एक्सेसिव सोडियम कि लूनो रो अधिका जिनस। संग माने जेमते कहली अगेन नेचुरल सॉल्ट्स नेला आमे बॉडी पाई भलो अछि, बट जो प्रोसेस्ड सॉल्ट्स जेमते आमे देखु छु कि आजकल जो हाईली फास्ट फूड जो लोक माने बेसी खाउ छथिन ता भितरे प्रोसेस्ड सॉल्ट बहुत अधिक मात्रा रहउछ। गोटे बर्गर रे केबे केबे आपन को पूरा डे रे जते आपन को सोडियम दरकार से गोटे बर्गर रे रहउछ। तो आमको फास्ट फूड जंक फूड रु आमे जते दूर रहिबा सेते आमो पाई भलो, काई कि से हमरो देह को धीरे 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 करकी वीक करुछि। फास्ट फूड भितरे हाई कैलोरी कंटेंट, हाई सुगर कंटेंट आउ हाई सोडियम कंटेंट रहउछि। तो आमे ताकु जते अवॉइड करिवा सेते आमो पाई भलो। थर्ड जिनसो जो आमको अवॉइड करिवार अछि सेटा होसी अल्कोहल। संग माने अल्कोहल गोटे सोशल इविल, तारो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी रहउछि, हेल्थ इफेक्ट्स भी रहउछि और फाइनेंशियल इफेक्ट्स भी रहउछि। तारो जो बोन उपर इफेक्ट रहउछि कि ऑस्टियोपोरोसिस रो बहुत ही ट्रिगरिंग कॉज रहउछि अल्कोहल। आमे देखुछु कि जो माने क्रॉनिक अल्कोहलिक माने तांको डेली जो मानको अल्कोहल पीबारो कि केबे केबे जो वीकली 2-3 टाइम्स जो माने पीउ चंती तांकर जो बोन रो क्वालिटी तांकर एज रो 20 वर्ष सीनियर लोक रो क्वालिटी जेमती हे जाउची। आमे जेबे ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर जेबे अल्कोहल पोस्ट अल्कोहलिज्म जो देखुछु आमे देखुछु ऑपरेशन टाइम रे तांकर बोन पूरा खोखला रहउछि, बिल्कुल खाली रहउछि भितरु, काहे कि तांकर भाड़ो भितरे बिल्कुल भी कैल्शियम और विटामिन डी नाही। संग माने बहुत लोग भावुंट कि मुझे सप्ताह गोटे दिन कि मसरे गोटे दिन पीबी तो मोर हाड़ ठीक रोते मते हाड़ उपर किसी प्रभाव पड़े नहीं, मो बॉडी ठीक रेटा बहुत ही गोटे भूल धारणा। आज के जो रिसर्च अच्छी से कौच कि अल्कोहल रो कोई भी सेफ लिमिट ना आम तो एमती ना कि आम कम पीकि आम लाइफ को पूरा आराम मैनेज कर पार्बा। अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल आम देह पाई बिल्कुल भल ना से आम लिवर पर किडनीज पर तो अलग खराब अच्छी, बट बोन्स भी तापर बहुत प्रभाव रोच। नंबर फोर स्मोकिंग टबाको एक्जाक्टली अल्कोहल सांगे तार कुछ रिलेशन अच्छी। जो माने अधिक अल्कोहल लौंते आम देखो तांकर सिगरेट टाणीबा और जो टबाको प्रोडक्ट यूज करिवार जो फ्रीक्वेंसी होची सेटा भी अधिक रहउची। जेमती अल्कोहल रो जीरो सेफ लिमिट सेमती टबाको रो भी जीरो सेफ लिमिट। आपणकर बोन को जो डी जनरेशन और ब्रेकेज पाए टबाको इज वेरी बैड। से आम देखु केबे केबे ऑपरेशन परे जदि लोक टबाको कंटिन्यू करछि पानरे किंबा जर्दारे तमे पुड़िया खाइकि जेमती भी टबाको नौची तारो हाड़ मिसिवा रेट अलमोस्ट जीरो हो जाऊँच। तो आम पेसेंट को आगु कहीदेचु ऑपरेशन आगु कि जदि हाड़ मिसेबार अच्छी पूरा अवॉइड करिवार अच्छी एनी मात्रे टबाको आउ अल्कोहल। नेक्स्ट जो अच्छी सांग माने से अच्छी कैफीन। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैफीन जो अच्छी सेटा आम देह को किसी खराब करूनी, बट एक्सेसिव कंजम्पशन केते लोक माने नाइट ड्यूटी करछंती एक्सेसिव लंबा आवर्स काम करछंती तो निद को अवॉइड करिया पई से माने मल्टीपल टाइम्स कैफीन रो इनटेक करछंती। आमे देखुछु अगेन एक्सेसिव कैफीन इनटेक विल कॉज बोन डीजेनरेशन। तो कैफीन जदि आपनको माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट रे नौछंती देन इट विल बी बेनिफिशियल, बट आपन जदि सीवियर अमाउंट 8-10 कप्स डेली नौछंती 6 कप्स डेली नौछंती तो सेटा आपन काइंडली अवॉइड करंतु। सांग माने ओडिशा रे बहुत ही प्रिय अछि मटन खाइबा और मटन जेमती रेड मीट जो अछि से लोक मानको सब भोजी रे सब जगह रे पूरा प्रिय रहउछि। अल्दो केबे केबे रेड मीट खाइले एमती किछि बहुत असुविधा नै, बट कंटिन्यूड रेड मीट खाइबा भी आम देह पई भलो नै, तारो कोलेस्ट्रॉल उपर भी बहुत प्रेशर रहउछि और ता संगे एक्सेसिव रेड मीट को आम देह को भांगीबा पई एसिड अल्कलाइन दरकार। तो अल्कलाइन एते देह भीतर रहुने तो देह कोन करूछि कि बोन को ब्रेक करके तारो अल्कलाइन नैकि आमरो ताकु प्रोसेस करूछि। तो मॉडरेट अमाउंट रे जदि आमे माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट रे रेड मीट नेबा जेमति मटन ओ सब मीट नेबा तो ठीक अछि, बट एक्सेसिव अमाउंट नेले सेटा भी आमो बोन पई भलो नै। ये सब जिनस जो मुझे आपको बुझेली जदि आप बैलेंस्ड वे नौ देन इट इज फाइन, बट कंटिन्यूड नेबा नै। एबे मु बुझेबी आपनको कौन जिनस खाइले आपनकर बोन रो ग्रोथ हेबो और जदि आपनकर बोन खराब हो जाए तार रिजेनरेशन हेबो।
ତା ଭିତରେ ତିନିଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୟାଲସିୟମ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। କ୍ୟାଲସିୟମର ବେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ରହୁଛି ମିଲ୍କ ଆଉ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କ୍ଷୀର ଭଲ ଲାଗୁନି ତ କ୍ଷୀରକୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ନେଇଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ପ୍ରୋଟିନ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମର ହେଉଛି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ସୋର୍ସେସ୍ରୁ ଦାଲ, ରାଜମା, ଚନା, ସୋୟାବିନ୍ ଏସବୁ, ଆଉ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଏଗ୍ସ ଆଉ ଫିଶ୍ ଆଉ ମଟନ୍ରୁ ବି ଚିକେନ୍ରୁ ବି ଆସୁଛି। ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ବେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଖାଇବା, ଆଜିକାଲି ଖାଇବା ଭିତରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇକି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆଡ଼୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୋର୍ସ ରହୁଛି ସେ ଅଛି ଖରାର ଏକ୍ସପୋଜର, ମାନେ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସପୋଜର। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ 20-30 ମିନିଟ୍ ବି ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସପୋଜର ପାଇଯାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ୟର ବୋନ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି କ'ଣ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜର ଲାଇଫ୍ରେ ମାଇନର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି କେମିତି ନିଜର ଡାଏଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନିଜର ବୋନ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଫିଟ୍ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ ଆଉ ଅଦର ବୋନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ କାଇଣ୍ଡଲି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ କରିବା। ନମସ୍କାର।